जोहार दोस्तों, मैं हूँ बेबी मातो और बेबी मातो ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और जो कोई भी मेरा चैनल में ये नया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग साइकिला में हैं और आज हमारे यहाँ CM आने वाले हैं और वही CM से हम लोगों को कुछ बातचीत करना है। हम लोगों को जो यहाँ वो खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं तो उन्हीं से रिलेटेड, उसी चीज़ से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे CM से। तो आप लोग मेरा ब्लॉग में पूरा एंड तक बने रहिए और ज़रूर देखिए कि आगे क्या होता है और हम लोग क्या बात करने वाले हैं CM से। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग अभी तभी से उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे और वो अभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलने से तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि हम लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं उनसे। ये देखिए, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी ये 1932 लागू करेगा, ये पोस्टर भी बना लिया है। और ये JBKSS वाला दिखाइए, JBKSS वाला थोड़ा ये है, JBKSS वाला हम लोग बना लिए। ये तरुण भैया भी आ चुके हैं और ये सब ये दीदी लोग हैं, ये दीदी लोग भी आ चुकी है। ये उल्टा दिख रहा है क्योंकि सेल्फी कैमरा से वीडियो बन रहा है, इसीलिए 1932 उल्टा दिख रहा है। ये सारे दीदी लोग हैं, ये लोग भी आ चुके हैं, हम लोग देख सकते हैं। हम लोग को CM से मिलना है। थोड़ा जोहार बोल दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि देखिए ये JBKSS का है, जितने भी JBKSS टीम है, JBKSS वाले लोग यहाँ पे CM का विरोध कर, वो 1932 लागू किया ही नहीं है और 1932 जोहार यात्रा निकाल रहा है तो उसी के विरोध में सब यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। ये सारे JBKSS के हैं। इन्होंने जितना भी गांव है ना, गांव गांव में विधायक सबको बोला है कि जयराम महतो आ रहा है बोल के, सबको गाड़ी में, सब जितना कोई आया ना, इन लोगों को जयराम महतो आ रहा है बोल के गाड़ी में बैठा के इन लोग को लाया है। ये जितना औरत यहाँ है जयराम महतो बोलते आप लोग, तोरा के की बोलिया लोगो, देख ले आप लोग, देखिए आप लोग सामने पूछ रहे की बोलिया एकदम सोतो जयराम महतो से बोलिया। ये देख सकते हैं ये लोग खुद बोल रही है कि जयराम महतो आ रहा है, जयराम महतो के नाम पे यहाँ भीड़ इकट्ठा कर रहा है। ये है हमारे झारखंड के सरकार। और ये दीदी 1 तारीख का दिन जो शहीद स्थल गए थे, ये भी कितना दुखद बात है कि शहीद स्थल जा रहे श्रद्धांजलि देने और उसमें भी उसके साथ भीड़ नहीं जा रहा है। इसीलिए इन लोग को भी बोला गया था कि हम लोग जयराम महतो का रैली में जा रहे हैं, जयराम महतो आ रहा है शहीद स्थल। और हालांकि वो आए थे, लेकिन जयराम महतो इतना कोई मंत्री, नेता मंत्री नहीं है और इतना अमीर फैमिली, रिच फैमिली से नहीं है कि वो किसी के लिए गाड़ी भिजवा सकते हैं। ठीक है, वो हमारे तरह स्टूडेंट है और वो हमारे झारखंड के हित में बात करते हैं। और इन लोग को भी बोला गया था कि जयराम महतो आ रहा है बोल के लोग को गाड़ी में लेके गया था और गाड़ी में झंडा भी नहीं था और आधा दूर जाके गाड़ी में झंडा लगा रहा है। आप लोग हम इन लोग से पूछ सकते हैं, तो आप लोग को क्या बोल के लेके गया था? जिस तरह सभा में बुलाने के लिए गाड़ी दे रहा है, इस तरह बच्चों को, बच्चों के भविष्य के लिए अगर इतना गाड़ी देगा, जो बच्चा मैट्रिक और इंटर में बच्चा लोग कितना दूर से सेंटर पड़ता है जाता है, तो वो बच्चा लोग को अगर इस तरह से अगर गाड़ी देगा कि बच्चा लोग जाओ तुम लोग एग्जाम देके आना, तो हम लोग का एकदम जाहिर सी बात है कि हमारा झारखंड बहुत आगे जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं इतना सारा बैनर लगाया ना, इसमें करोड़ों रुपया खर्चा किया बैनर में, लेकिन वो वाला पैसा अगर खर्चा करता कि जितना नौजवान छात्र है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग का पढ़ाई लिखाई में खर्चा करता तो हमारा झारखंड उन्नति में जाता, लेकिन बैनर लगाने में करोड़ों रुपया खर्चा किया है, लाखों करोड़ों रुपया। प्रत्येक गाँव में बैनर लगा है, प्रत्येक गाँव में एकदम हर एक गाँव का ये बैनर लगा है और बड़ा बड़ा बैनर जितना टेंट वाला था ना, सबको पूरा बैनर ये किया है, पूरा बैनर का ऑर्डर किया है। जितना गाड़ी था जिला में सब गाड़ी बुकिंग है और ये गाड़ी सब हित के लिए कभी नहीं करता है। जोहार सभी को। हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं अशोक बस कलाई दुकान, यहाँ हम लोग खतियानी वाला साड़ी ऑर्डर करने के लिए आए हैं। ये भैया लोग हैं, ये लोग अपना ब्लेजर ऑर्डर करने के लिए आया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये लोग अपना ब्लेजर ऑर्डर कर रहे हैं ब्लैक कलर का लोगों के साथ।
लोग देख सकते हैं, हम लोग आए हैं अभी यहाँ कपड़ा दुकान आए हैं यहाँ साड़ी ऑर्डर करने के लिए। और ये लोग हैं भैया लोग, लोग अपना ब्लेजर ऑर्डर कर रहा है ब्लैक टीम वाला, राजनगर ब्लैक टीम जो है, ये लोग अपना ब्लेजर ऑर्डर कर रहे हैं जो इन लोग का टीम मतलब सबको ही है ना, तो सबके लिए एक जैसे ब्लैक ब्लेजर जो ब्लैक टी शर्ट में दिक्कत है, अब ये लोग का थोड़ा सा यूनिफॉर्म में चेंजिंग आएगा, ब्लैक कलर का ब्लेजर होगा जिसमें जेबी केसेस का लोगो होगा। ये है बिद्देश्वर भैया, हमारे साथ पूनम भी है। हम लोग कैलेंडर भी ले रहे हैं, कैलेंडर यहाँ सब कुछ, ये देखिए कैलेंडर यहाँ वहाँ गिरा देता है। नहीं नहीं यार काम पे देगा ये, अच्छा चीज है, सब चीज है इसमें लिखा है। हाँ और अब तैयार सब लिखा हुआ इसी काम पे।